हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर्स के बारे में। इससे पहले एर्थ का फर्स्ट पार्ट मैंने रिलीज़ कर दिया है आज ही। ये सेकेंड पार्ट है, इसमें एर्थ पूरा टॉपिक कवर कर देंगे हम। तो न्यूज़ में है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है नया भावपुर न्यू खुजरा सेक्शन, और ये ऑपरेशन कंट्रोल में आता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर। न्यू भोपुर और न्यू खुर्जा सेक्शन जो है 351 किलोमीटर्स का है, जो खुर्जा और भोपुर उत्तर प्रदेश में आता है। ये स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है जो प्रयागराज में लोकेट है। डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर्स क्या होते हैं? ये एक हाई स्पीड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर है जो डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ फ्रिज मूवमेंट के लिए है, और यहाँ पर कोई नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती। ये बिल्ट हुआ था ताकि हायर थ्रू आउट एक सिग्निफिकेंट फ्रिज मार्केट रहे। डीएफसी जो है, दो आर्म्स इसमें है, एक तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर है, एक दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर। एडिशनली चार उससे ज़्यादा कॉरिडोर है जिसमें ईस्ट कोस्ट है खड़गपुर विजयवाड़ा, सेकेंड है ईस्ट वेस्ट कोलकाता मुंबई, थर्ड है नॉर्थ साउथ दिल्ली चेन्नई, फोर्थ है सदर्न चेन्नई गोवा सब कॉरिडोर जो कि अवेलेबल है पाइपलाइन में। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर में 1856 किलोमीटर लॉन्ग का सैनेवाल पंजाब से वेस्ट बंगाल दनकनी तक है, जिसमें डबल इलेक्ट्रिफाइड है ट्रैक्स है जो 6 स्टेट से जाएंगे। ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट है कि कैटर करेगा नंबर ऑफ टैरिफ जो है, और ट्रैफिक बहुत मिलेगा यहाँ पे, ट्रैफिक स्ट्रीम जो है उसको कम करेगा। ये कोल जो है पावर प्लांट्स हैं नॉर्दर्न रीजन के, जैसे यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब और पार्ट्स ऑफ राजस्थान जो ईस्टर्न कोस्ट कोल फील्ड में आते हैं। फिनिश स्टील फूड ग्रेन्स और सीमेंट जैसी अन्य चीज़ें राजस्थान से ली जाती हैं। ये प्रपोज हुआ है ताकि ये सेटअप करे लॉजिस्टिकल पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में और लुधियाना पंजाब में। डेवलप हुआ था प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू, और यहाँ पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर भी है WDFC। ये लिंक करता है दादरी NCR को टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। ये 6 स्टेट से रन करता है और ये ज्वाइन करता है ईस्टर्न कॉरिडोर दादरी में। ये प्रपोज सेटअप हुआ था लॉजिस्टिकल पार्क मुंबई एरिया में जो गुजरात जयपुर और NCR में आता है। रेलवे प्लान कर रहा है कि वो बिल्ड करे 4000 किलोमीटर का DFC जो कनेक्ट करता है इंडस्ट्रियल एरियाज़ को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में कंट्री सदर्न इंडिया में थ्रू मेजर पोर्ट्स जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं। DFC में ईस्ट कॉरिडोर आता है जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से लेके विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आता है भोसवाल नागपुर खड़गपुर दनकनी, ये राज खारसवन कालीपारा अंडल रूट पे आता है। नॉर्थ साउथ की बात करूँ तो विजयवाड़ा जो नागपुर में है और इटारसी जो मध्य प्रदेश है वो रूट पे। डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया जो लिमिटेड का है वो रिस्पॉन्सिबल है इस DFC प्रोजेक्ट को बनाने में, जो कि अनाउंस करा था रिसेंटली इंडियन रेलवे में। जो फ्लाइट ट्रेन ऑपरेट होती है 40% जो है कॉरिडोर 2021 तक होगी। यहाँ पे डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरपोरेशन जो है इंडिया का वो इनकॉर्पोरेट हुआ है कंपनीज एक्ट 1956 से लेकर 2006 तक, और वो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन करता है बड़ी सारी चीज़ों का। यहाँ पे डेडिकेटेड एजेंसी जो है उनका विजन है रियलिटी में बढ़ाना। DFCCIL मिशन का पहला है बिल्ड करे कॉरिडोर जो कि टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट हो, इनेबल करें इंडियन रेलवे को ताकि रिगेन करें मार्केट शेयर को। सेटअप करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क DFC के थ्रू, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन जो ओपन हुए थे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसको देख लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हो सैनेवाल न्यू सिरहिंद जो भी है इसको प्रोनाउंस करते हैं दादरी है, फिर न्यू भोपुर न्यू कानपुर न्यू मुगलसराय न्यू सोमनगर
दादरी के बाद ही, सॉरी, आपका खुर्जा है, न्यू खुर्जा है, तो यहाँ तक तो ओपन हो चुका है। बाकी देखते हैं, जो कि आपका ईस्ट तक जा रहा है, पूरा वेस्ट बंगाल तक। और आप अगर वैसे देखो वेस्टर्न में, वेस्टर्न DFC, तो यहाँ पे आपका जवाहरलालपुर तक जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो डॉक पे जा रही है शिप्स। ठीक है, प्रोजेक्ट मैप ऐसे आया, जो सैंक्शन प्रोजेक्ट है, लुधियाना से दादरी, दादरी कानपुर, ईस्टर्न DFC, मुगल सराय, फिर आपका करकपुर, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ये मार्क हो रखे हैं लाल में ही। जो आप देख सकते हो सैंक्शन प्रोजेक्ट में, वेस्टर्न DFC है, जो पिथाला से लेके सूरत, फिर पलघर, जहाँ पे आपको पता है रिसेंटली न्यूज़ में था, पलघर में लिंच हुआ था, मॉब लिंचिंग, और फिर मुंबई। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं, वो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन रेलवे में कितना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आप सबको पता है, प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अलाउ कर दिया है, जो कि ऑपरेशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज पे, जिसमें 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन होंगे, पेयर रूट्स होंगे, जो 151 मॉडर्न ट्रेन्स यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये फर्स्ट इनिशिएटिव है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रन कर रहा है पैसेंजर ट्रेन में, इंडियन रेलवे में, और ट्रैक कर रहा है इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ की, जो कि 2023 में बिगिन होगी। ट्रेन जिनका डिज़ाइन ऐसा होगा कि वो मैक्सिमम जो उनकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर की होगी। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जो है वो आई थी मेक इन इंडिया के अंडर, और कोचेस जो है मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, और उनका जो लोकल कंपोनेंट है वो स्पेसिफाइड है इंडिया में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइवेट एंटिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी फाइनेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, और ऑपरेशन बाय ट्रेन में प्राइवेट एंटिटी जो कंफर्म करेगी कि परफॉर्मेंस पे कर रही है, पंचुअलिटी, रियलिटी, रिलायबिलिटी। प्राइवेट फर्म के पास फ्रीडम होगी कि वो डिसाइड कर सकते हैं कितना रेट होगा, मतलब फेयर कितना होगा और स्टॉपेज कितना होगा। ऑल्सो जो सर्विसेज है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है IR की, कि यहाँ पे ड्राइवर और गार्ड जो होगा ट्रेन का वो रेलवे ऑफिशियल होंगे, बाकी जो मतलब ऑपरेट करेंगे ट्रेन को और मेंटेन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। सेफ्टी क्लियरेंस की बात करूँ तो वो भी आपका रेलवे ही करेगा। प्राइवेट सेक्टर अलाउड होगा कि वो रनिंग करे ट्रेन को 35 ईयर्स के पीरियड में, इन रिटर्न उनको रेवेन्यू मिलेगा जो उनने अर्न करा है। अपार्ट फ्रॉम पेमेंट उनके पास एक फिक्स हॉलेज चार्जेस होंगे और एनर्जी चार्जेस, जो वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं तो उसको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अदर डेवलपमेंट, की रेलवे में क्या डेवलपमेंट आई है। पहला है नेशनल रेल प्लान, ये ड्राफ्ट हुआ था, एड्रेस करता है कंस्ट्रेंट और इम्प्रूव करता है मॉडल रेलवे और बिजनेस पे। इसमें हाईलाइट की बात करूँ तो विजन 2024 में लॉन्च करा था, जो इम्पोर्टेंट है। NRP एक्सलेट करता है इम्प्लीमेंटेशन कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट का, जैसे 100% इलेक्ट्रिफाइजेशन 2024 तक हो जाएगी, मल्टी ट्रैकिंग ऑफ कंजेस्टेड रूट्स और अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड बढ़ाई जाएगी, ऐसे बोला जा रहा है। फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बियॉन्ड 2024 ट्रैक और सिग्नलिंग पे देखा गया है, और ये आइडेंटिफाइड है क्लियर कट टाइमलाइंस पे जो इम्प्लीमेंट करता है। तीन डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर्स है, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ, जो आइडेंटिफाइड है। सस्टेन इन्वॉल्वमेंट है प्राइवेट सेक्टर का इन ऑपरेशन में, और उनका ओनरशिप जो है वो रोलिंग स्टॉक पे है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ग्रीन रेलवेज बाई 2030। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अब एम करा है कि वो इंडियन रेलवे को ट्रांसफर कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी इंटू ग्रीन रेलवे 2030 में। अचीव करने के लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन, IR ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। पहला, इलेक्ट्रिफाइजेशन जितने सारे रूट्स हैं, कैसे ब्रॉड गॉज को लेके बाय दिसंबर 23। गॉज आपको नहीं पता हो तो पटरी को बोलते हैं, जो पटरी की लंबाई होती है ना, तो वो ब्रॉड गॉज यूज़ करेंगे। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो पैसेंजर की जो क्या कहते हैं लोकल ट्रेन होती है ना, उनके गॉज छोटे होते हैं, कम होते हैं, मतलब नैरो होते हैं, पर यहाँ पे बात करिए कि ब्रॉड गॉज लेंगे। तो इनिशिएटिव जो प्रमोट करता है क्लीन एनर्जी, और ये रिड्यूस करता है फ्यूल बर्डन जो IR पे है। यहाँ पे सोलर प्लांट्स की बात करिए जो 100 मेगावाट का एनर्जी देंगी, और ये रूफ टॉप पे होगी वेरियस बिल्डिंग पे, जो प्रोड्यूस करेंगे पावर
सोलर बेस पे होंगे, 103 मेगावाट की विंड बेस्ड पावर प्लांट्स होंगे जो कमीशन करे जाएंगे। फ्यूल बचाने के लिए 500 पार पाँच शेयर जो है पेयर्स होंगे ट्रेन्स के, जो कन्वर्ट होंगे हेड ऑन जनरेशन HOG। HOG पावर ड्रॉ करेगा ओवर हेड इलेक्ट्रिक सप्लाई, और वो इसको यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ जो पहले जनरेटर पे चल रहे थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सर्विसेज RORO। ये बहुत ही सही टेक्निक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये पहला देखा गया था RORO सर्विस साउथ वेस्टर्न रेलवे, जो स्टार्ट हुआ था नेला मंगला जो बेंगलुरु में, टू बेल जो सोलापुर में। RORO इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन रेलवे में के द्वारा कौन-कौन रेलवे 1999 में। RORO कॉन्सेप्ट बेसिकली आप ऐसे समझिए कि आप कैरी आउट कर रहे हो व्हीकल्स जिसमें बड़ी सारी कमोडिटीज़ है, और एक ओपन फ्लैट रेलवे वैगन। तो मान लो ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक प्लेन सरफेस है या बोगी है, जिसमें बोगी नहीं बोलूँगा प्लेन सरफेस है, वहाँ पे कुछ व्हीकल्स हैं जो कि बड़ी सारी जगह ले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ट्रक्स जो वहाँ पे स्टोर हैं उनका फ्यूल तो बचेगा क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ, वो इवेंचुअली ट्रेन ऐसे समझ लीजिए ट्रेन पूल कर रहा है उसको, जितने भी सारे ट्रक्स हैं वो ट्रेन अपने साथ ले जा रहे हैं। तो एडवांटेज इसका ये फास्टर मूवमेंट है गुड्स और एसेंशियल का, टाइम बहुत कम होगा ट्रक्स का कि आराम से पहुंच जाए, कंजेशन नहीं होगा रोड पे क्योंकि अगर ट्रक्स सारे ट्रेन पे आ गए तो फिर क्या कंजेशन होगा, फ्यूल बचेगा, कार्बन एमिशन कम होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है किसान रेल लॉन्च हुई थी आनंदपुर और न्यू दिल्ली की, यहाँ पे साउथ की फर्स्ट और सेकंड इंडिया की किसान रेल होगी। ये पहले किसान रेल फ्लैग हुई थी महाराष्ट्र से बिहार में, महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार तक गई थी नौनपुर। तो यहाँ पे अभी किसान रेल जो है एक कॉन्सेप्ट है जो प्रोवाइड करता है फार्मिंग सेक्टर पे और फैसिलिटेट करता है पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, पेरिशेबल मतलब जो सड़ जाते हैं। तो ये अनंतपुर मतलब पंजाब से दिल्ली तक की है, स्पेशल पार्सल ट्रेन जो है पार्सल जो करती है, ये फर्स्ट टाइम है इंडियन रेलवे ने स्पेशल पार्सल लोड कराए बियॉन्ड द बॉर्डर्स। ये ट्रांसपोर्ट होती है ड्राई चिलीज जो आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश जा रही है, तो गंतूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से बेना पोल में जा रही है। गंतूर एक जो उसकी सराउंडिंग है आंध्र प्रदेश की वो चिलीज के लिए फेमस है, चिली कल्टीवेशन, और GI टैग यहाँ पे क्या है गंतूर सरनम चिलीज को, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये जोग्राफी में पूछा जा सकता है। क्वालिटी फार्म प्रोड्यूस की इंटरनेशनली रिनाउंड है, इसलिए बड़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इसकी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2020। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने ड्राफ्ट कराया इंडियन पोर्ट्स बिल 2020 पब्लिक कंसल्टेंट के थ्रू। यहाँ पे ड्राफ्ट बिल क्या है, एक रिपील और रिप्लेस इंडियन पोर्ट एक्ट के बारे में बात कर रही है कि रिपील करेगी इस एक्ट को जो कि इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 का है, और क्रिएट करेगी एनवायरनमेंट जो ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ जा रही है। की फीचर्स क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेगी मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को, जो एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल पोर्ट पॉलिसी प्लान पे, फॉर्मुलेट करेगी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव प्लान्स के जो डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेट करेगी एक्टिविटीज प्लानिंग एजेंसीज की जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेगी कोस्ट लाइन इंडिया का, और सब सर्व करेगी इंटरेस्ट जो नेशनल इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर्मुलेट करेगी नेशनल पोर्ट पॉलिसी और नेशनल पोर्ट प्लान जो कंसल्ट करेगी कोस्टल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मैरीटाइम बॉर्डर और अदर स्टेक होल्डर्स, फॉर्मुलेट करेगी स्पेशलाइज एडजुडिकेटरी ट्राइब्यूनल नेमली मैरीटाइम पोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स मैरीटाइम पोर्ट्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कावर करेगी एंटी कॉम्पिटिटिवनेस प्रैक्टिसेस, और ये स्पीडी और अफोर्डेबल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पर रहेगा। मेजर पोर्ट क्या है यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो है इंडिया में, पहला है कांडला पोर्ट, फिर मुंबई में आपका JNPD है, मोरमोगांव है, न्यू मैंगलोर है, कोचीन है, टूटीकोर्न है, चेन्नई में आपका एनकोर है, विशाखापट्टनम, पारादीप, ठीक है।
मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 ये लोकसभा ने पास करा है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल ये रेगुलेट करता है, ऑपरेशन करता है, प्लानिंग करता है और ऑटोमी देता है इन पोर्ट्स को, और रिप्लेस करता है 1963 को एक्ट का जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट है। ये बिल डिसेंट्रलाइज करता है डिसीजन मेकिंग और इन्फ्यूज करता है प्रोफेशनलिज्म। फीचर्स क्या है इसके, बीपीए बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूट करा है कि हर मेजर प्रोजेक्ट जो वेस्टेड है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है मैनेजमेंट पोर्ट्स की। ये बोर्ड रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट। जो रोल है टैरिफ अथॉरिटी का वो मेजर पोर्ट्स का रीडिफाइन है। बीपीए को पास पावर ज़्यादा है कि वो फिक्स कर सकते हैं टैरिफ, जो कि इम्पोर्टेंट है। रिओरियंट करता है गवर्नमेंट मॉडल को और लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को, और ये ट्रांसपेरेंसी लाता है ऑपरेशंस जो मेजर पोर्ट पे है। लास्ट जो पॉइंट है वो है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, जो ओनरशिप ऑफ पोर्ट रिमेन्स पे जाती है पोर्ट अथॉरिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लीज आउट होता है प्राइवेट फॉर्म में, और ये प्रोवाइड करता है मेंटेन करता है अपना सुपरस्ट्रक्चर। यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं इक्विपमेंट्स जो हैंडल करते हैं कार्गो, इन रिटर्न जो लैंडलॉर्ड है उनको शेयर ऑफ रेवेन्यू मिलता है प्राइवेट एंटिटी से। यहाँ पे समझ लेते हैं क्या डिफरेंस है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज 2020 में और पुराने 1963 का। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड ने यहाँ पे इस साल क्या करा है, ये बोर्ड जो है मेजर पोर्ट अथॉरिटी का ये हर मेजर पोर्ट में फॉर्म होगा, और ये बोर्ड रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट। पहले क्या होता था कि जो मेजर पोर्ट्स हैं वो मैनेज होते थे बोर्ड के द्वारा जो पोर्ट ट्रस्ट पे है, और उनके मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होंगे। यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे कंप्राइज करता है चेयरमैन या चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन, जो अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन सेलेक्ट कमेटी की होती है। और अदर मेंबर्स में हर मेंबर जो हर स्टेट से हैं, रेलवे मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री का और कस्टम डिपार्टमेंट का। बोर्ड इंक्लूड करेंगे दो या उससे चार इंडिपेंडेंट मेंबर्स, और दो मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ का। यहाँ पे 1963 की बात करूँ कॉम्पोजिशन, तो चेयरमैन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होगा, एक या उससे ज़्यादा डिप्यूटी चेयरमैन होंगे। यहाँ पे आपका जो पर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, और मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट, बड़ी सारी चीज़ें होंगी। पावर्स क्या है बोर्ड की, बोर्ड ये अलाउ करता है कि वो प्रॉपर्टी एसेट्स और फंड को यूज़ कर सकता है डेवलपमेंट के लिए। डिक्लेयर करता है बोर्ड कि क्या अवेलेबिलिटी है बोर्ड एसेट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और एग्जम्पशन देता है, रीमिशन देता है पेमेंट की। पहले क्या पावर थी, रेज लोन कर सकता है, रेगुलेशन बना सकता है, एम्प्लॉयज पे एग्जीक्यूट कर सकता है वर्क, रिस्पेक्ट करना है कि जो लैंडिंग प्लेसेस है या बाथिंग घाट है, और यहाँ पे सी गोइंग वेसल जो डॉक यार्ड का है वो। फिक्सिंग ऑफ रेट, बोर्ड जो कमेटी अपॉइंट है बोर्ड के द्वारा वो डिटरमाइन करेंगी एसेट और सर्विसेज पोर्ट में। पहले क्या होता था, करंटली जो टैरिफ अथॉरिटी है वो मेजर पोर्ट्स के इस्टेब्लिश के अंडर फिक्स स्केल ऑफ रेट होते थे जो एसेट और सर्विसेज देते थे टाइम पे। यहाँ पे फिक्सिंग ऑफ रेट रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट में होती है, मतलब पहले जो चल रहा था वैसा नहीं होगा, अपने हिसाब से सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलता रहता है चीज़ें। नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो है आपका फाइनेंशियल पावर जो बोर्ड की है। यहाँ पे बोर्ड रेज कर सकता है लोन्स शेड्यूल बैंक से और फाइनेंशियल सेक्टर्स जो इंडिया में है और किसी भी आउटसाइड इंडिया में कर सकता है। लोन्स 50% होगा कैपिटल रिजर्व का, और सैंक्शन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। पहले क्या होता था कि बोर्ड्स को सैंक्शन चाहिए थी सिर्फ गवर्नमेंट से और वो लोन रेज कर सकता था। यहाँ पे एडजुडिकेटरी पावर क्या है बोर्ड के पास, ये देखता है कॉन्स्टिट्यूशन एडजुडिकेटरी बोर्ड का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। टैरिफ पहले क्या होता था, टैरिफ अथॉरिटी देखती थी मेजर पोर्ट्स की। पेनल्टीज की बात करूँ तो यहाँ पे पर्सन जो कॉन्ट्रावेनिंग होता है किसी प्रोविजन का वो पनिश होगा, और उसको 1,00,000 तक की पनिशमेंट चाहिए, मतलब पनिशमेंट दी जाएगी। पहले क्या होता था कि पेनल्टीज लगती थी प्रोविजन पे बस। पीपीपी मॉडल की बात करूँ तो ये बिल डिफाइन करता है पीपीपी, जो कि कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट पे होता है बोर्ड पे, और प्रोजेक्ट जो है फिक्स करा जाएगा कि टैरिफ जो इनिशियल बाय बिडिंग प्रोसेस पे होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्लॉज ऐड कर दिया कि फंड जो है प्रोवाइड करते हैं सोशल बेनिफिट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और ये सब। अदर डेवलपमेंट क्या है पोर्ट्स में, पहला है सरोद पोर्ट्स जो सोसाइटी
फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल डिस्प्यूट पे है सरोद पोर्ट्स, और ये सेटल करती है डिस्प्यूट मैरिटाइम की, आर्बिट्रेशन की, जो भी है शिपिंग की और बड़ी सारी चीज़ों की। ये इस्टेब्लिश होती है सोसाइटीज रेगुलेट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। अफोर्डेबल और टाइमली रेजोल्यूशन मिलता है डिस्प्यूट का फेयर मैनर पे। एनरिचमेंट होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ। ये कवर करता है डिस्प्यूट जो ग्रांट करता है अथॉरिटी को और लाइसेंस देता है बड़े सारे लोगों को। वेसल टैरिफ सर्विसेज क्या है और वेसल टैरिफ मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग लॉन्च कर रहा है इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो VTS और VTMS के थ्रू होता है। रिड्यूस करता है एक्सपेंडिचर फॉरेन एक्सचेंज का जो मिनिमाइज करता है डिपेंडेंस फॉरेन सपोर्ट का। VTS और VTMS सॉफ्टवेयर डिटरमाइन करता है वेसल पोजीशन का और क्या चीज़ें हैं मेट्रोलॉजिकल हजार्ड वार्निंग क्या है बड़ी सारी चीज़ें। VTMS एक मैंडेटरी अंडर इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो कन्वेंशन 16 के अंडर आता है। ट्रांसशिपमेंट इंडिया का जो टू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो है कोचिन में वल्लरपदम, दूसरा है विजयनगरम पोर्ट, ये त्रिवेंद्रम में है। प्रपोज एनलम पोर्ट है एक थर्ड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एक हब होगा जहाँ पे स्मॉल फीडर वेसल कार्गो लाएंगे और लोड करेंगे लार्जर शिप में और ट्रांसपोर्ट करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे। कनेक्ट करते हैं और ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक। लार्ज वेसल जो होते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ सेल पे होते हैं और लोअर उनकी कॉस्ट होती है। आत्मनिर्भर भारत के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने प्लान कराया कि वो डेवलप करे पोर्ट को और कट डाउन करे इंडिया की डिपेंडेंस ओवरसीज हब पे ताकि वो भेजे और रिसीव करे कार्गो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नेशनल लॉजिस्टिकल पोर्टल है NLP मरीन। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने डेवलप करा है NLP और यहाँ पे इंपोर्टर सर्विस प्रोवाइडर्स और एक्सचेंज होते हैं डॉक्यूमेंट्स की और ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी होती है। ये स्केल अप करा था पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम के तौर और परफॉर्म करता है कुछ डोमेस्टिक ट्रैकिंग शिपमेंट का, अंडरटेक करता है कस्टम क्लियरेंस का और डेवलप होता है फैसिलिटी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया का ये बड़ा प्रोपोगेंडा खींचता है। पोर्ट्स इंडिया की बात करो तो यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट पोर्ट है। भादरम पोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रीन लाइट दिया है कि ये होगा और ये कॉर्पोरेट पोर्ट है मतलब ये कंपनीज एक्ट के अंडर आएगा। डेवलप हुआ था लैंड लॉर्ड पोर्ट और यहाँ पे पोर्ट जो बिल्डिंग है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पोर्ट का और ये PPP मॉडल के बेस पे। चिदंबरम पोर्ट है डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप कराई गई है। DPE फैसिलिटी इनेबल करती है एक्सपोर्ट क्लियरेंस जो फैक्ट्री स्टाफ सील कंटेनर्स पे होती है 24/7। वीओ चिदंबरम पोर्ट ट्रस्ट जो तमिलनाडु में है ये इसको बोला जाता है टूटीगरम पोर्ट और ये मेजर पोर्ट है इंडिया का जो हमने ऊपर देख लिया है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता पोर्ट फर्स्ट एवर कंटेनर जिनने एक अपनी शिप मूव करी है कोलकाता से अगरतला वाया चातुग्राम, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एग्रीमेंट हुआ था चातुग्राम एंड मोंगलो पोर्ट जो कि मूवमेंट करता है इंडिया का कार्गो थ्रू बांग्लादेश। ये एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्ट का रीजन के थ्रू। यहाँ पे पारादीप पोर्ट इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट ने प्रोजेक्ट डीपनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन इनर हार्बर फैसिलिटीज जिसमें बड़ी सारी चीज़ें इंक्लूड है जैसे डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न डॉक जो कि हैंडल करता है साइज वेसल पारादीप पोर्ट पे और प्रोजेक्ट हेल्प करेगा डीकंजेस्टिंग पोर्ट को, रिड्यूस करता है सी का जो फ्रिज है और बड़ी सारी चीज़ों को। इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज ने वेव करा है वाटरवेज यूजेस चार्जेस 3 साल के लिए। WUC ने वेव ऑफ करा है कि उनका विजन ये है कि सेंटर का विजन से मैच करता है, प्रमोट करता है इनलैंड वाटरवेज जो इको फ्रेंडली और चीप मींस होगा। इनलैंड वाटरवेज जो इंडिया की अथॉरिटी है लेवाई करती है और बड़े सारे इनलैंड कार्गो वेसल पे आती है जो नेशनल वाटरवेज पे है जो हिंड्रेंस लाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। IWAI एक स्टैचुरी बॉडी है और चेंज करती है चार्ज करती है वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज एक इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि 14,500 नेविगेबल वाटरवेज है जो रिवर्स कैनाल बैक वाटर्स बड़ी सारी चीज़ें आते हैं। नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में डिक्लेयर करता है 111 रिवर्स हैं जो कि नेशनल वाटरवेज में आती है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है 0.5 मॉडल शेयर पे है कंपेयर टू नदरलैंड चाइना इनमें बहुत ज़्यादा है। तो नेशनल वाटरवेज में आपने देखा होगा पहला है ये गंगा वाला हल्दिया तो अलाहाबाद इम्पॉर्टेंट है यूपी बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश
सेकंड है नेशनल वाटरवेज है सेकंड धुबरी टू शारदिया 891 किलोमीटर्स का है, असम वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश मेघालय। तीसरी की बात करूँ तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 3 है वेस्ट कोस्ट कैनाल पे, जो कोलम से लेके कोट्टापुरम है, ये केरला के साइड पे है। यहाँ पे सिर्फ केरला है तो आसान है। नेशनल हाईवे 4 की बात करूँ तो यहाँ पे गोदावरी कृष्णा कैनाल से ककिंडा टू पुडुचेरी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका स्ट्रेच ज़्यादा है, 1000 समथिंग समथिंग है इसका। नेशनल हाईवे 5 की बात करूँ तो ब्राह्मी डेल्टा कैनाल्स पे, जो गोकाली टू टालचोर है 588, यहाँ पे ओडिशा और वेस्ट बंगाल को क्रॉस कर रहे हैं। लास्ट में है आपका 6 वाला, जो लखीमपुर से भंगा है, ये असम मिजोरम मणिपुर और त्रिपुरा के थ्रू आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो है नेशनल वाटरवेज 1 है, ठीक है। लास्ट जो न्यूज़ है इसके बाद ही हम ओवर कर रहे हैं फाइनली, और यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लास्ट जो है पार्ट वो है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जो एक मैकेनिज्म है वो स्पीडी करता है एक्विजिशन ऑफ लैंड जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे सैटेलाइट टाउन्स हो गया, मेट्रो रेल हो गया, इसके अंडर TDR के रूट के अंडर गवर्नमेंट एक्वायर करता है लैंड ओनर से, और एक्सचेंज करता है डेवलपमेंट राइट्स जो ट्रांसफर कराया जाता है लैंड ओनर को। डेवलपमेंट राइट्स मतलब इशू कराया जाता है डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट, जो एम्पावर करता है ओनर को कि वो एक्स्ट्रा फ्लोर ले सकता है एरिया रेशियो में FAR, और फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड न्यूज़ है वो सिटीज, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन सिटीज़ में इम्प्लीमेंट करता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम कंबाइन करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन के थ्रू और टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू। प्रोजेक्ट जो है कोऑर्डिनेट होता है, मैनेज होता है प्रोग्राम मैनेजमेंट के थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। साइट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपियन यूनियन का कोलैबोरेशन के साथ सपोर्ट करा गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है BCAC, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। BCAC एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन, एविएशन मतलब एयरपोर्ट की बात कर रहा है, सिक्योरिटी की। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करता है, जो न्यू दिल्ली का हेडक्वार्टर्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि सिक्योरिटी देखे सिविल फ्लाइट्स की जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक पे हो। हेड कौन है इनका, डायरेक्टर जनरल है, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का है, और ये रिकमेंडेशन किसकी कमेटी पे है, पांडे कमेटी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो न्यूज़ है उसके बाद खत्म कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल है ICC एविएशन सेक्टर का है, ये भी एविएशन सेक्टर ने एक सेटअप करा है ICC, एक सिंगल विंडो है जो अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट, एक्सपर्टाइट करता है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री में। 10 मेंबर्स जो है अंबर दुबे ने हेड करे, और यहाँ पे जॉइंटली सेक्रेटरी है MOC है। अर्ली ICC ने अनाउंस करा था 2020 और 21 का प्रोजेक्ट। तो ये आप यहाँ तक ही ये वीडियो है, आप इसको पढ़ लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय।